रोड इज सो हिली डोंट बी सिली. दो दिनों से, दो शाम से बहुत बारिश हो रही थी और अभी यहाँ पर मुझे ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है. सन इज राइजिंग, वेदर इज गुड. लंबी राइड होने वाली है गाइस. कैमरा भी पता नहीं हम बात कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बाकी सारी चीज़ आपको फोटो पे देखना पड़ेगा. टिल द टाइम वी रीच आउटसाइड, यस, दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस लद्दाख राइड. रूम इन लद्दाख इज अबाउट टू एंड गाइस, बट वी विल बी बैक विद अनदर. Exactly, and very soon, because मेरी नई बाइक भी आने वाली है. So you will have to stay tuned to our channel for loads of adventures. Yes, तो चलो चलते हैं. 45 minutes late, 5:45 हो चुके हैं. गणपति बप्पा और या सो वेदर इज क्लियर, आकाश बहुत क्लीन दिख रहा है. चलो चलते हैं. आई विल बी द नेविगेटर कहीं. सो सबसे पहला जो स्टॉप होगा वो फ्यूल स्टॉप होगा, क्योंकि हम लोग लेह से निकले थे, जिस्पा से मनाली पेट्रोल नहीं भराया था. डॉजीज हेलो, कम हो गया क्या भैया पेट्रोल? इधर इतना ही था. वाओ, मनाली में 99. वेदर कुछ गाइस ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा बारिश हो रही है बट फॉग जैसा दिख रहा है. सो जंगल के थ्रू बहुत ही सुंदर रास्ता, 200-250 किलोमीटर ऐसे ही सिंगल लेन पे चलाना है हमने. डॉजी. सो गाइस हम लोग ने एक राइट टर्न मिस किया था मनाली के, एक्चुअली माल रोड के आसपास से निकल के जाता है, बट दिस इज अनदर रूट. ये कुछ पीछे हरिपुर करके जगह थी, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं. सो ये एकदम सब विलेजेस से जा रहे हैं. वी आर लकी कि मॉर्निंग टाइम है, अदरवाइज काफ़ी रोड पे ट्रैफिक रहती. बट कोई नहीं, अभी कुल्लू नगर से होते हुए वापस मेन रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि है NH3. क्योंकि मुझे याद है मनाली से निकलते तो ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर आपके साथ में नदी बहती रहती है, राफ्टिंग के काफ़ी सारे स्टॉल्स और वो इक्विपमेंट दिखते रहते हैं. वो आज कुछ भी नहीं दिखे. कहाँ घुस गए थे अपन अंदर? सो दिस इज द NH3. अभी अच्छा वाला रोड पे आ गए हैं. अभी चालू करके क्या मतलब है? पीछे मस्त वाला कीचड़ क्रॉसिंग था, पैर खराब. आज सोच रहा था शूज थोड़े धो लेते हैं. अच्छा हो गया टाइम वेस्ट नहीं किया. एंड एज यूजुअल मनाली टू मंडी रोड इज सुपर ऑसम, बहुत मजा आ रहा है. मुल्तानी मिट्टी लगाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद में जो गोरे गोरे दिखेंगे हम लोग. धूल धूल में चला रहे थे और उसी दौरान ही देखो क्या मस्त वाटरफॉल है साइड. और बहुत सारे टनल बन रहे हैं, सो नेक्स्ट 20 साल में आपको अच्छा मिल जाएगा. हाँ, अभी 2015 में भी टाइम ही लग गया था, तो 6 साल में हुआ नहीं था और 20 साल तो लगेंगे. और ये है कीचड़ क्रॉसिंग, बट अच्छे लकीली लेफ्ट से मिल गया जगह. हाँ, 100 किलोमीटर हो गए हैं. ये 100 किलोमीटर करने में साला 2-2.5 घंटा लग गया. ये देखो क्या हो गया. अगर अब पूरा गया, एक मिनट रुक दोस्त.
ये देखो बालकलावा का क्या हालत है, सो अगर नहीं पहने रहते तो ये पूरी गोरी हो जाती, पहचानने में नहीं आती। ये गोप्रो अपना कितना सहता है ना, तो इससे समझा गाइस आप लोग को नया गोप्रो आने वाला है। बालकलावा वेरी इम्पोर्टेंट हाँ गाइस, ये गंदा गंदा पूरा मुंह पे रहता, मैं कितनी चिकनी लग रही है देखो, कुछ चिकनी लग रही है। ये देखो मैं कवर डालना चाहिए था, तेरा टैंक बैग क्यों नहीं गंदा हुआ है इतना, मेरा बहुत धूल हो गया है। शूज देखो क्या मस्त हो गए एकदम। चलो 100 किलोमीटर हो चुके हैं हम लोग के, मंडी अभी 5-6 किलोमीटर में है। 2015 में हम लोग ने मनाली से निकल के मंडी में आके एवेंजर एन बोल्ट को टाटा बाय बाय बोला था, और हम लोग रात भर चंडीगढ़ स्टेशन पे लेटे हुए थे। हाँ दैट वॉज लाइक वेरी अर्ली स्टेज ऑफ आवर करियर, बहुत सैलरीज कम थी। और एक्चुअली में 2 दिन ट्रेन में ही सोए रहे हम लोग, हाँ फ्लाइट के पैसे भी नहीं थे। Give me a hug. We have grown together, right? Yes. Oh, Delhi 457. काफी चैलेंजिंग राइड है ये, 136 किलोमीटर्स हो गए मनाली से। हुफ, कांस्टेंट ऑफ रोड, कांस्टेंट ट्रैफिक, कांस्टेंट इडियट पीपल ऑन द रोड। किरण इज अहेड, गेम खेल रही है वो ओवरटेकिंग वाला। प्लीज हिमाचल गवर्नमेंट ये वाला रास्ता जल्दी से जल्दी अच्छा बना दो, आई एम श्योर रात में यहाँ पे काफ़ी कैजुअल्टीज होती रहेंगी। इतना टूरिज्म वाला रास्ता इतने सालों से अभी भी मतलब हार्डली कहीं पे 4 लेन है, और किरण बोल रही थी जहाँ देखो ठीक है जब, ऑब्वियसली आप लोग पैसा कमाते रहे हैं टैक्सेस लगा के दारू के ऊपर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो, वेरी बैड फॉर टूरिज्म। अभी मॉम डैड को यहाँ पे भेजना इज लाइक वेरी रिस्की। क्या हो गया ये, जल्दी हम लोग ने 480 किलोमीटर्स कर लिया है, 490 में भी नाउ इन 11 आवर्स, और अभी और 80-90 किलोमीटर्स बाकी है फॉर जल्दी। लेट्स गो, इसका टॉप स्पीड चेक कर। यू डोंट इवन नोटिस, शुड हैव टोल्ड यू स्ट्रेट अवे, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड। ये दिल्ली पहुंच गए हम लोग, दिल्ली पहुंच गए हम लोग, 50 किलोमीटर है, और लुक एट इट हाउ फॉगी इट इज, फॉगी और स्मॉगी गॉड नोस, बहुत हवा भी चल रही है। और ये हम लोग गंदी ट्रैफिक में झूझते हुए, गेटिंग डर्टी मैन, लिटरली इतनी गंदगी हुए ना, बाल ऐसे मिस्ड अप, बाल तो जाने दो, चेहरे पे ऐसे धूल इतनी है कि पहचान नहीं पाओगे आप।
ये देखो अभी उसको खुन्नस देगा, क्या होगा, इतना क्लोजली चला नहीं कहीं नहीं ट्रक से। हेलो बुबू यो, ट्रैफिक यार, गंदा ट्रैफिक मिला है हमें लास्ट दो। धारावी कुरला और मरोल का सब कॉम्बिनेशन है ये दिल्ली का गली, मोहम्मद अली रोड भी। अरे यार वो तो भाई साहब ऐसे चलाते थू 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 थू। एक अंकल इतने ट्रैफिक में, उनको दिक्कत ये थी रुका कर फुर्सत से उन्होंने पिक फेंका है पहले ऐसा वाला जुबा केशरी और फिर जाकर ओ गॉड मैन। होएंगे आज सिग्नल खुलेंगे आप। अरे यार हम लोग ने सोचा था कि रॉन्ग से चले जाए, बट बीइंग अ गुड सिटीजन हम नहीं किए ऐसा। चाहे 500 किलोमीटर चलाओ या 600 किलोमीटर चलाओ, हमेशा मेक श्योर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। 560 किलोमीटर टुडे गाइस, नाइस। आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें, वही सचिन बोल रहा था, थोड़ा हम गाली गलौज कर रहे थे। आगे एंड हियर वी आर, मुंबई दिल्ली लद्दाख एंड बैक टू दिल्ली, अकम्प्लिश्ड गाइस। दोनों बाइक्स को अलविदा बोलते हुए यू गाइस ट्रीटेड अस रियली वेरी वेल। हर जगह बाइक का बाइक ही दिख रहा है नहीं। एकदम तेरे जैसा गुस्से वाला। JCB के बाद ये सामान ऐसे गिरना देखना इज काइंड इंटरेस्टिंग। सचिन गंभीर लुक देते हुए वी आर गोइंग होम।